अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीनियर केजी सब्जेक्ट अरबी। प्यारे बच्चों, आज हमें असाइनमेंट का प्रश्न 3 क्या है हमारा। चित्र जे हुरूफ थी शुरू थतु होय ते हुरूफ सोती तेना फरते गोल करो। जैसे इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफाई बाय द पिक्चर सर्कल द हुरूफ। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर पिक्चर यानी सबसे पहले हम पिक्चर को देखेंगे, चित्र को देखेंगे और उसी से यानी पिक्चर को हम, जैसे यहाँ पर क्या है, नोज का यानी नाक का पिक्चर है, हम उसे अरबी में क्या कहते हैं वो हमें समझना है और उसी के बाद उसी से बनता जो हुरूफ है, जो लफ्ज बनता है उसी के ऊपर हमें सर्कल करना है। यानी गुजराती में क्या कहते हैं, जैसे नाक, तो नाक को हम अरबी में क्या कहते हैं वो पहले हम समझेंगे। नाक को हम अरबी में हमजा से अनफ कहते हैं, तो हम इसी तरह हमजा हुरूफ को ढूंढेंगे। यानी हमें कटे हुरूफ है, कटे हुरूफ में ही हमजा हुरूफ को ढूंढना है और उसी के ऊपर हमें सर्कल करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसी तरह पिक्चर को देखेंगे और उसी का बनता अरबी हुरूफ का पहले हुरूफ के ऊपर हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला पिक्चर यानी सबसे पहला चित्र क्या है, नाक का है, नोज का है। तो हम अरबी में इसे क्या कहते हैं, हमजा से अंफ। तो यहाँ पर हमजा से अंफ जो लाइन है, लाइन के अंदर 3 हुरूफ दिए गए हैं, 3 हुरूफ के अंदर से हमें हमजा हुरूफ को ढूंढकर यानी चित्र का जो हुरूफ बनता है वो हुरूफ चित्र से जो हम बोलते हैं, जैसे हमजा से अंफ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम हमजा हुरूफ को ढूंढेंगे और उसी के ऊपर इसी तरह सर्कल करेंगे। हमजा से अंफ का माना नाक होता है, जिसे हम इंग्लिश में नोज कहते हैं। उसी के बाद यहाँ पर ये घेटे का पिक्चर है, क्या है, घेटा। तो हम उसे अरबी में क्या कहते हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। हम अरबी में घेटे को दौत से दअन कहते हैं, क्या कहते हैं, दौत से दअन। उसी के बाद हमें ये 3 हुरूफ में से दौत हुरूफ को ढूंढना है। पहले हम सही हुरूफ को ढूंढेंगे, दौत से दअन का माना घेटा और उसी के बाद दौत हुरूफ के ऊपर इसी तरह सर्कल करना है। हमें सर्कल सही तरीके से अच्छे से करना होगा इसी तरह। उसी के बाद यहाँ पर ये क्या है, चाबी का पिक्चर है, क्या है, चाबी, जिसे हम अरबी में क्या कहते हैं, मीम से मिफ्ता, मीम से मिफ्ता। इंग्लिश में क्या कहते हैं, की कहते हैं, गुजराती में चावी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अरबी में मीम, तो यहाँ पर हम मीम हुरूफ को ढूंढेंगे और उसके ऊपर सर्कल करेंगे। कटे हुरूफ मीम है ये, मीम से मिफ्ता। उसी के बाद यहाँ पर ये खरगोश का पिक्चर है, ससले का पिक्चर है, जिसे रैबिट कहते हैं। रैबिट को हम अरबी में क्या कहते हैं, अलिफ से अरनब। हम क्या पढ़ते हैं, जब हुरूफ पढ़ते हैं तो बोल कर पढ़ते हैं, लिखते हैं, अलिफ से अरनब। अलिफ से अरनब का माना खरगोश, तो ये है अलिफ से अरनब। तो हमें इसी तरह अलिफ के ऊपर क्या करना है, सर्कल करना है। तो हम इसी तरह हुरूफ के ऊपर सर्कल करेंगे। इसी तरह खरगोश के बाद ये क्या है, पोपट का यानी तोते का पिक्चर है, पैरट का पिक्चर है। तो प्यारे बच्चों, हम इसे अरबी में क्या कहते हैं, बा से बबगा। तो हमें बा हुरूफ को ढूंढकर उसी के ऊपर इसी तरह सर्कल करना है। बा से बबगा का माना तोता, पोपट, जिसे इंग्लिश में पैरट कहेंगे। उसी के बाद यहाँ पर है बाघ, क्या है, बाघ। बाघ को हम अरबी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे टाइगर कहते हैं, अरबी में नून से नमीर। तो हमें नून हुरूफ को ढूंढकर इसी तरह सर्कल करना है। नून से नमीर का माना बाघ। इसी तरह आगे ये है कुर्सी, जिसे गुजराती में हम कुर्सी कहते हैं, ये काप से कुर्सी। तो हमें काफ हुरूफ को ढूंढना है, काप से कुर्सी, इंग्लिश में इसे हम चेयर कहेंगे। तो काप से कुर्सी के ऊपर हमें इसी तरह सर्कल करना है। उसी के बाद यहाँ पर ये है भालू, कौन सा पिक्चर है, भालू का। तो भालू को हम अरबी में क्या कहेंगे, दाल से डूब, दाल से डूब। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। तो हमें इसी तरह दाल हुरूफ के ऊपर सर्कल करना है। इसी तरह आगे ये कौन सा हुरूफ है, दरख्त का पिक्चर है। तो दरख्त को हम अरबी में कहते हैं शीन से शजर। तो हम इसी तरह शीन हुरूफ के ऊपर सर्कल करेंगे। इसी तरह यहाँ पर है बाउल, प्याले का पिक्चर है। तो बाउल को हम अरबी में, बाउल इंग्लिश है प्याला, जिसे सौत से सहन, अरबी में हम सौत से सहन कहते हैं, सहन का माना प्याला होता है।
इसी तरह आगे यहाँ पर अंगूर क्या है, अंगूर, अंगूर को हम अरबी में क्या कहते हैं, ऐन से इनब कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐन से इनब। तो हमें ऐन हरूफ के ऊपर इसी तरह सर्कल करना है। इसी तरह यहाँ पर ये भेड़िए का पिक्चर है जिसे गुजराती में वरु कहते हैं, इंग्लिश में वुल्फ कहते हैं। तो हमें जाल से जिब, तो जाल हरूफ के ऊपर हमें इसी तरह सर्कल करना है। उसी के बाद यहाँ पर है हाथी का पिक्चर जिसे हम इंग्लिश में फिल, इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं, तो हमें इस अरबी में फा से फिल कहेंगे। तो फा हरूफ को ढूंढकर इसी तरह सर्कल करना है। आगे यहाँ पर कपड़े का पिक्चर है। अब कपड़े को हम अरबी में क्या कहते हैं, सा से सौब, सा से सौब का माना कपड़ा। तो हमें सा हरूफ के ऊपर इसी तरह सर्कल करना है। उसी के बाद यहाँ पर दूसरे पिक्चर को हम देखेंगे। यहाँ पर ये है मछली जिसे इंग्लिश में फिश कहेंगे, हम अरबी में क्या कहेंगे, सीन से समक कहेंगे, क्या कहेंगे। तो हमें सीन हरूफ को ढूंढकर इसी तरह सर्कल करना है। सीन से समक का माना मछली। आगे ये है लींबू का पिक्चर। क्या है, लींबू, जिसे इंग्लिश में लेमन लाइम कहेंगे और गुजराती में लींबू कहेंगे, अरबी में क्या कहेंगे, लाम से लाइमून। तो हमें लाइमून के ऊपर, लाम से लाइमून के ऊपर इसी तरह सर्कल करना है। इसी तरह आगे ये है ऊंट का पिक्चर है, जमल का पिक्चर है, हम अरबी में क्या कहेंगे, जीम से जमल। तो हमें जीम हरूफ को ढूंढकर सर्कल करना है। उसी तरह यहाँ पर सेब, सफरजन, एप्पल, इंग्लिश में एप्पल कहेंगे, तो अरबी में तासे तुफा कहेंगे, तासे तुफा। यहाँ पर ये हाथ का पिक्चर है, इंग्लिश में हम इसे हैंड कहेंगे, अरबी में क्या कहेंगे, या से यद। तो हमें या हरूफ को ढूंढकर सर्कल करना है। उसी के बाद यहाँ पर क्या है, बंदर, क्या है, बंदर का पिक्चर है। बंदर को हम अरबी में क्या कहेंगे, बंदर को हम इंग्लिश में मंकी कहते हैं और अरबी में कॉफ से किर्द कहेंगे, तो कॉफ के ऊपर सर्कल करना है। प्यारे बच्चों उसी के बाद यहाँ पर ये डव यानी कबूतर का पिक्चर है। क्या है, इंग्लिश में डव कहेंगे ये कबूतर, गुजराती में इसे हम कबूतर, और अरबी में क्या कहेंगे कबूतर को, हमामा, हा से हमामा, हा के ऊपर इसी तरह सर्कल करेंगे। ये अनार है, क्या है, अनार, दारम, जिसे इंग्लिश में पॉमग्रेनेट कहते हैं, तो हम अरबी में इसे रसे रुमान कहते हैं, क्या कहेंगे, रसे रुमान। इसी तरह यहाँ पर किशमिश है, क्या है, सुकी ड्राक्स, किशमिश, तो हम इसे इंग्लिश में रेजिन कहेंगे, अरबी में जा से जबीब कहेंगे, जा से जबीब का माना किशमिश। उसी के बाद यहाँ पर मोर का पिक्चर है। मोर को हम अरबी में क्या कहेंगे, तो से ताउस, तो से ताउस का माना मोर, इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं मोर को। उसी के बाद ये वॉशिंग मशीन है, क्या है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन को अरबी में हम गैन से गसाला, गैन से गसाला का माना वॉशिंग मशीन, गैन से गसाला का माना वॉशिंग मशीन। उसी के बाद यहाँ पर ये है हिरन, क्या है, हिरन, हिरन को हम अरबी में जो से जबी कहेंगे, जो के ऊपर इसी तरह सर्कल करेंगे, जो से जबी का माना हिरन, जिसे इंग्लिश में डियर कहते हैं। उसी के बाद यहाँ पर ये मोबाइल फोन है, क्या है, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन को हम अरबी में हा से हातिफ, हा से हातिफ का माना टेलीफोन, मोबाइल फोन। उसी के बाद यहाँ पर ये है गुलाब का फूल का पिक्चर, तो हम गुलाब के फूल को अरबी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम इसे रोज कहेंगे, गुजराती में गुलाब का फूल कहेंगे, हम अरबी में वाव से वर्द कहेंगे, क्या कहेंगे, वाव से वर्द। तो प्यारे बच्चों हमें वाव के ऊपर इसी तरह सर्कल करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने आज क्या सीखा है, आज हमने चित्र को देखकर उसी के पहले अरबी हरूफ के ऊपर सर्कल करते सीखा। तो हमें हमारी अरबी की नोटबुक में इसी तरह पिक्चर का नाम लिख देना है, क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर नाक का पिक्चर है, तो हमें पिक्चर ड्रॉ करते नहीं आता, तो हम नाक का नाम लिखकर उसी के बाद हरूफ लिखकर उसी के ऊपर सर्कल करेंगे। ये हमारा होमवर्क। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।